हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि हमें लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन थ्री डायमेंशनल हम यहाँ जो भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल के निकाल रहे हैं। प्लस के क्वेश्चन है डेल का स्क्वायर यू अपॉन डेल आर का स्क्वायर प्लस में 1/r डेल यू अपॉन में डेल आर प्लस में 1/r का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल यू डेल जेड का स्क्वायर। इसे मान रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और यही हमारी क्या है लाप्लास इक्वेशन है। अब इसी का ही हमें क्या है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये यू इज यू किसका फंक्शन है आर थीटा और जेड का, ठीक है। जेड का फंक्शन है हमारा आर थीटा और जेड, ठीक है। तो हम करते हैं आगे, लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन फर्स्ट हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म इज यू आर थीटा जेड, इन तीनों से रिलेटेड होगा। जैसे हम मान रहे हैं आर 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 के लिए, फिर उसके बाद एफ मान रहे हैं थीटा के लिए, और हमारा जो जेड होगा वो मान रहे हैं जेड के, ठीक है। इसे इक्वेशन मान रहे हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। आगे हमें डेल यू अपॉन में डेल आर निकालते हैं। आर है तो एफ और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, एफ जेड डेल आर अपन डेल आर, ठीक है। और हमें जो है ये एक बार डिफरेंस किया है, हमें सेकंड बार भी डिफरेंस करके आना चाहिए, तो हम एक बार और कर लेते हैं डेल यू और डेल आर एफ सेट डेल का स्क्वायर आर और डेल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। इसी में अब हमें डेल यू अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो थीटा का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है एफ, एफ तो हमारा वेरिएबल रहेगा, बाकी के सारे इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्स्टेंट आएंगे, कॉन्स्टेंट की तरह हमें ट्रीट करेंगे आर और एफ, आर और जेड लिया जाएगा डेल एफ वन थीटा। अब यहाँ है डबल है तो हम यहाँ भी डबल कर देंगे, डबल डिफरेंसेस, ठीक है। इस तरीके से हमारा हम जेड के लिए निकालेंगे डेल यू और डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। जेड के लिए आर और एफ कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इस तरीके से हमें जो भी वैल्यू पुट करनी थी ये इक्वेशन फर्स्ट में वो सभी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस को हम क्या मान लें थर्ड इक्वेशन। तो बाय पुट वैल्यूज ऑफ थ्रीज इन इक्वेशन फर्स्ट, जो थ्री में हमें वैल्यू आई थी उसे फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम एफ जेड डेल स्क्वायर आर डेल आर का स्क्वायर प्लस में 1/r है। फिर हमें डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू रखेंगे एफ जेड डेल आर अपॉन डेल आर, ठीक है, प्लस में 1/r का स्क्वायर है। उसके बाद है हमें थीटा की, इसकी वैल्यू रखनी है, तो लिखते हैं आर जेड डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर प्लस में लास्ट में हमें ये वैल्यू रखनी है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो, ये आ गया हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करें, आर एफ जेड की डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय आर एफ जेड
वी गेट, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, हमें मिलेगी 1 by r डेल r डेल r का स्क्वायर, 1 by r r डेल r डेल r, प्लस में 1 by f बचाया, f और r का स्क्वायर है डेल स्क्वायर f डेल थीटा का स्क्वायर, 1 by z डेल z डेल z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी आप r और f की जो टर्म है अभी तो मिक्स है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं z वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, तो 1 by r डेल स्क्वायर r और डेल r का स्क्वायर प्लस में 1 by r डेल r डेल r, 1 by f r का स्क्वायर डेल f डेल थीटा का स्क्वायर, इसे हम ले जा रहे हैं दूसरी साइड माइनस z का स्क्वायर, इसे मान रहे हैं हम इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसमें है जो हमारा LHS साइड है वो r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जबकि जो है आर एच एस साइड है वो जेड पे डिपेंडेंट है। सिंस एल एच एस साइड डिपेंड ओनली आर थीटा एंड आर एच एस साइड डिपेंड ओनली जेड, सो इक्वेशन 4 कैन be that if each sides is equal to some constant, say minus m ka square, then equation 4 will become, equation 4 kya ho jayegi hamari, इक्वेशन 4 होगी जब 1 - z डेल z का स्क्वायर कॉस में माइनस एम का स्क्वायर, आर एच एस साइड ले लिया हमने। ठीक है, और इसी को अगर हम दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो ये होगी इस तरीके से 1 by z डेल z का स्क्वायर इस कॉस में एम का स्क्वायर है, और इसे फिर से करें तो हमारा जाएगा 1 डेल z डेल z का स्क्वायर इस कॉस में एम स्क्वायर जेड। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन हमारी 5। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें ये जो हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा LHS पार्ट है, इसे और लिख लेते हैं हम कॉन्स्टेंट की ऊपर, डेल आर डेल आर का स्क्वायर 1 by r डेल आर डेल आर प्लस 1 by f आर का स्क्वायर डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर, इसको जो में ये आ चुका है हमारे पास। अब क्या करें, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें और एम एम स्क्वायर को इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में, डेल आर का स्क्वायर यहाँ एक आर बच जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, डेल आर यहाँ से पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 by f डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये हो चुका है। अब इसी में हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हम इधर ले आते हैं जिससे कि आर आर की टर्म एक साइड हो जाएंगी और थीटा की टर्म एक साइड हो जाएगी, आर का स्क्वायर आर डेल आर डेल आर का स्क्वायर प्लस में आर आर डेल आर डेल आर प्लस में एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर में 1 by f डेल थीटा का स्क्वायर, ये आ चुका है। ठीक है, अब इसमें भी हमारा क्या है, जो है एल एच एस साइड है वो डिपेंड कर रही है आर पर और आर एच एस साइड है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है, तो हम लिखेंगे सिंस एल एच एस डिपेंड ओनली ऑन आर एंड आर एच एस डिपेंड ऑन थीटा, सो वी मस्ट हैव, इसे फिर से एक कॉन्स्टेंट की कर ले लेते हैं, तो 1 by f डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में एल स्क्वायर, डेल f डेल थीटा का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर f इज इक्वल टू में, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, सिक्स मान लेते हैं हमारे
हमारा जो है आर एच एस ऐड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड वाला करते हैं, आर आर का स्क्वायर डेल आर डेल आर का स्क्वायर आर अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस अपॉन का स्क्वायर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में एन का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले एन स्क्वायर को हम क्या है दूसरी साइड ले आएंगे और फिर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, आर का स्क्वायर अपॉन आर डेल का स्क्वायर आर अपॉन में डेल आर स्क्वायर इसमें आर बाय आर डेल आर एम का स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर सोर्स टू। अब इसी में हम कर रहे हैं लेफ्ट एम आर को हम क्या मान लें एक्स मान लें। ठीक है, तो हमारा अगर हमें आगे डेल एक्स अपॉन में डेल आर निकालना होगा तो वो हमारा क्या जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या चाहिए डेल आर अपॉन में डेल आर चाहिए, डेल आर अपॉन में डेल आर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं डेल आर अपॉन में डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल आर। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं एम है तो फिर एम डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और फिर दोबारा से हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा डेल स्क्वायर आर डेल आर का स्क्वायर क्या होगा डेल डेल आर एम डेल आर डेल एक्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं एम डेल आर डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल आर। ठीक है, डेल एक्स ये आ चुका है, अब इसकी वैल्यू क्या हमारी एम है तो ये जाएगा एम का स्क्वायर डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर। ये आ गया हमारा, आगे हमें अब इन वैल्यूज को पुट करना है। इसे हम मान लेते हैं एट क्वेश्चन नौ इक्वेशन एट इज एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में आर डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर एम आर डेल आर डेल एक्स प्लस में एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं आर के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और एम आर की को हमने क्या माना था एक्स माना था एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। आर के मल्टीप्लाई करिए तो कैंसिल हो गया है, यहाँ से कैंसिल हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर इज इक्वल टू में जीरो। अब पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा डेल आर डेल एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स डेल आर डेल एक्स प्लस में वन एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर इसको में जीरो ये आ जाएगा हमारा। विच इज बेसेल इक्वेशन इट्स जनरल सॉल्यूशन इज आर ए वन जे एन एक्स बी प्लस में बी वन गामा एन एक्स। एक्स हमने क्या माना था आर माना था, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा सॉल्यूशन आया तो हम इसे आर ए वन जे एन एम आर प्लस में बी वन गामा एन एम आर ये हमारा सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन गेट बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स हमारी जो इक्वेशन थी उनसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा डेट इज इक्वल टू में ए ई एम जेड प्लस में बी ई एम जेड और एफ से मिलेगा एफ थीटा ए कॉस एन थीटा प्लस में बी डैश साइन एन थीटा। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी हमारे यहाँ, ये दोनों ही हमारे क्या है फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन फिफ्थ सॉल्यूशन से आया और हमें सिक्स से ही आया। ठीक है, तो हमारे पास अब आ चुके हैं आर आ चुका है जेड आ चुका है एफ आ चुका है तो सम हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज यू आर
जेड। सबसे पहले आर आर की वैल्यू रख रहे हम, ए वन जे एन एक्स एम आर प्लस में बी वन गामा एन एम आर, ये हो गया हमारी आर की वैल्यू। फिर हम रखेंगे थीटा की वैल्यू, एफ थीटा की, ए कोस एन थीटा प्लस में बी डैश साइन एन थीटा और लास्ट ये ए ई एम जेड प्लस में बी ई माइनस एम जेड। और ये हमारा पूरा पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। किसके लिए? सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन ए सिलैंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में।